बार बर्फ तो गिरी नहीं है, तो आज हम निकले हैं बर्फ ढूंढने। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है, उसके बाद वी विल बी रीचिंग टू स्नोफॉल वी पास, जहाँ की बर्फ देखने को मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं आज हमारा एक्सपीडिशन कंप्लीट होता है कि नहीं। बट मुझे लग तो राय दिख जानी चाहिए, क्योंकि मेरा फ्रेंड अभी जाके आया है। आई एम होपफुल, वैसे यहाँ काफ़ी बारिश होने लगी है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। आज एक्चुअली यहाँ पे क्रिसमस है, सो अपने लिए तो छुट्टी ही है, मेरी फैमिली भी यहाँ है नहीं। एक चीज़ जो मैं करता था, रनिंग चला जाता था, आज रनिंग भी नहीं हो सकती। तो घर पे बोर होने से अच्छा थोड़ा ड्राइविंग ही कर लेते हैं, इसीलिए निकले हुए हैं। वैसे ये टेंशन मत लेना, रोड पूरी खाली पड़ी हुई है तो मैं, और वैसे भी मेरे में गाड़ी में एडास है, मेरे को उतनी कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ चलो, फिर पहुँच के फिर मैं वीडियो ऑन करूँगा एंड विल सी कुछ हम लोग को स्नो मिलता है कि नहीं। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड। ऑलरेडी हाईवे पकड़ चुके हैं एंड अब मुझे 37 माइल तक इसी स्ट्रेट हाईवे पे चलना है, उसके बाद विल बी रीचिंग टू आवर डेस्टिनेशन। चलो, अभी काफ़ी ट्रैफिक है पीछे भी बिकॉज इट्स अ हाईवे, सो और लंबा वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, बेटर है कि मैं कॉन्सेंट्रेट करके ड्राइव करूँ। ओके, तो मिलते हैं डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे। बहुत ही गंदा वेदर है यहाँ पे, पीछे वार्निंग भी थी बहुत स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स, और अभी ऐसी हालत है कि मेरे को दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना पड़ रहा है, अदरवाइज मेरी गाड़ी ये लेन के बाहर हो जा रही है। एज यू गाइस कैन सी, पीछे ऊपर टॉप पे स्नो है, बट अभी हम लोगों को स्टिल 20 माइल और जाना है। सो आई होप वहाँ पर मैं आपको स्कीइंग भी दिखा पाऊँगा अगर आज ओपन होगा तो। बट अभी का अपडेट तो यह है कि स्ट्रॉन्ग एंड गस्टी विंड्स हैं यहाँ पे, लोग 70 माइल्स पे गाड़ी चला रहे हैं इतनी विंड में भी। मैं तो भाई थोड़ा धीरे ही चलाता हूँ, लेकिन फिर भी पीछे इतनी भीड़ है तो मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ जा रही है। चलो ये देख लीजिए आप टॉप पे आइसिंग, स्नो तो दिख गई भाई जिसके लिए निकले थे, बस और चला के पहुँचे जहाँ पे कि उतर के स्नो को टच कर सकें। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है यहाँ पे, लग रहा है सही है यार, मतलब ऐसी जगह पे रहो जहाँ से 1 घंटे ड्राइव करके आप स्नो के पास पहुँच जाओ, 1 घंटे ड्राइव करके आप सी के पास पहुँच जाओ, मज़ा आता है। अभी मुझे और 13 माइल और जाना है, 13 माइल जाने के बाद मैं स्टॉप करूँगा एंड तब हम लोग देखेंगे वहाँ के नज़ारे। बट अभी तो ये गाड़ी इतनी सुपर्ब है ना कि मतलब मुझे महसूस नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा विंड, बट हाँ कभी कभी एकदम से धचका लगता है जैसे गाड़ी इधर उधर होती है, हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पे लेन सिस्टम भी है ना, तो विदिन लेन ही चलाना पड़ता है, अगर बाहर हुए तो आपकी गलती है। इसी चक्कर में मुझे थोड़ा और अच्छे से पास। आज शायद यही रूट है जहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो वहाँ पे झूले टाइप लगे हुए हैं, सो उसके थ्रू ही ऊपर जाते हैं, यहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। बट यहाँ
यहाँ से स्किप कर, यहाँ से स्किप कर तो नीचे आते हैं और इस तरफ झूले हैं, बट आई थिंक और यही समिट है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो समिट लिखा हुआ है, सो इट्स नो कॉल मी समिट। खतरनाक जगह है, गजब मज़ा आ रहा है, बहुत तेज स्नो हो रही है। मेरी हालत दिखाऊँ आपको, से यहाँ पे घूम रहा हूँ बस। ठंड भी बहुत लग रही है, कार में तो मजे आ रहे थे, ठंडी बहुत है। तो ये है स्कीइंग का, और जिस दिन ये ओपन रहता है स्कीयर्स जो भी स्कीइंग करने आते हैं, इस पर बैठते हैं, ऊपर जाते हैं और वहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। जो मैंने आपको राउट कर दिया आज, बिकॉज इट्स 25th of December, पूरा क्लोज है, बहुत तेज स्नो हो रही है, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मेरी चश्मे के ऊपर पूरा पानी भर गया है। दो बच्चे हैं जो अपना स्लाइड कर रहे हैं, बाकी यार यहाँ तो मुझे वॉशरूम भी नहीं दिख रहा है, सब बंद है। और कुछ है नहीं यहाँ, बट ये मतलब आज भीड़ भी नहीं है ना, तो पता रहता कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। ग्लव्स भी नहीं लेके आया हूँ, मेरी और बैंड बज रही है। दिस इज व्हाट इट इज। बादल देखो खतरनाक है यार, मैंने बोला था स्नो टच करनी है, यहाँ पे स्नो के ऊपर खड़े हैं, तो मैं अच्छी तरह से जूते डाल के आ गया, नहीं तो बैंड बज जाती। बुरी तरह तो बैंड बजी गई थी। हम निकलते हैं थोड़ी देर और, मैं ऐसे ही घूमूंगा, क्या वॉशरूम ढूंढना था अभी, वॉशरूम देखता हूँ निकल जाता है। कुछ स्कीइंग करने लोग आए तो हैं, अगर वो करते हैं तो मैं कैप्चर करूँगा। हालत अगले को हाथ पूरे एकदम लाल हो रहे हैं और खतरनाक है यार ये जगह, तो खतरनाक है। ड्राइव 1 घंटे की थी, 1 घंटे के बाद हम पहुंच गए अपना। अब जस्ट वेटिंग, कुछ लोग हैं वो स्कीइंग करेंगे कि नहीं करेंगे, करते हैं तो देखेंगे, नहीं करेंगे तो चलते हैं हम घर अपने। और ये बंद है यार, ये मुझे तो कोई दिक्कत लग गई, मुझे लगा कि ओपन होगा, बट यहाँ पे उल्टा ही है, सबको पता है ना आपको, जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन सब बंद रहता है। तो चलो इधर पिक लेंगे, स्कीइंग करने जा रहे हैं, तो सारे चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, आज पूरा बंद है ना, नहीं तो ये गंडोला टाइप की राइड है, इसी में बैठ के लोग निकल जाते हैं, बट आज पूरा क्लोज है तो ट्रैवल करके जाना पड़ता है। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अपना, हो गया है यहाँ पे। अब सोच रहा हूँ घर निकला जाए, 1 घंटे की और ड्राइव है, ऐसे भी जो देखने आए थे वो तो देख लिया, टच कर लिया, एक गलती कर दी, ग्लव्स नहीं लाए, हाथ एकदम लाल हो गए हैं। कार में आ गया हूँ, स्मूथ पड़ रही है बहुत ज़्यादा पूरा कार, फिर
अभी स्नो पड़ी हुई है, वहीं अभी वार्म किया है वार्मर, देखते हैं निकलते हैं वापस थोड़ी देर में। बट मज़ा आ गया यार, अभी देखते हैं अभी न्यू ईयर पे फिर आएंगे, मुझे लगता है न्यू ईयर पे खुला होगा, जिस दिन खुला होगा उसी दिन आऊँगा ताकि लोगों को स्क्रीन करते हुए अच्छे से देखें। अच्छा पास है ये वैसे, एक स्टीफन पास और है, एक बार वहाँ भी चलेंगे। अभी कई लोग आए हैं, मुझे लग रहा है अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। ठीक है यार, अपने को जल्दी घर पे काम भी करना है, बाकी फैमिली नहीं है भाई, खाना बनाना है सब। चलो फिर निकला जाए, घर निकलते हैं, वापसी करते हैं, मुझे वॉशरूम भी जाना है, वॉशरूम घूमना है पहले तो निकलते ही। चलो अब मिलेंगे बाद में घर पहुंच के।